क्या पाकिस्तान ने सीमा का बदला ले लिया? कुछ महीने पहले 4 बच्चों के साथ अपने प्रेमी सचिन से मिलने के लिए सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आ गई थी। ठीक इसी तरह अब राजस्थान के भिवाड़ी से अंजू नाम की महिला अपने पति और बच्चों को छोड़कर बिना बताए प्रेमी नसरुल्ला से मिलने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गई। सीमा और सचिन की लव स्टोरी पिछले कई दिनों से चर्चा में है, लेकिन अब ऐसा ही दूसरा मामला सामने आया है। भारत से अंजू नाम की महिला पाकिस्तान पहुंच गई है। हैरान करने वाली बात यह है कि दोनों कहानियों में काफी समानताएं हैं। जैसे दोनों मामलों में प्यार का जरिया सोशल मीडिया बना है। दोनों ने ही प्यार को हासिल करने के लिए सरहदों को पार कर दिया। दोनों महिलाओं के पतियों को उनके फरार होने का पता तब चला जब वो दूसरे देश पहुंच चुकी थी। मेरे पास तो ये बता के गई थी कि जयपुर गई हूँ। हमने कंपनियों में जो स्टाफ है सब पूछते थे, हमने बता दी कि जयपुर गई है, जयपुर गई है। मेरे को कल शाम को पता चला है, क्या पता चला कि लाहौर हूँ। 35 साल की अंजू राजस्थान के भिवाड़ी से पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा चली गई है। अंजू वहां अपने 29 साल के प्रेमी नसरुल्ला से मिलने गई है, जिससे उसकी पहचान फेसबुक के जरिए हुई थी। अंजू ने अपने पति से झूठ बोला कि वो जयपुर जा रही है और वाघा बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान पहुंच गई। जैसे सीमा को अपने प्रेमी सचिन का प्यार भारत खींच लाया, ठीक उसी तरह अंजू नसरुल्ला के प्यार में पड़कर पड़ोसी मुल्क चली गई। अब ये साजिश है या प्यार की इंतहा, तफ्तीश का विषय है। जो हमारे पास रिकॉर्ड अभी हमने देखा है, उसमें 2020 में इसने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, बट कौन सा डॉक्यूमेंट इसने यूज किया है, किस डॉक्यूमेंट से इसने क्रॉस किया है, कौन सा वे आउट लिया है, लैंडर कर लिया है या फ्लाइट से गई है, इस बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो भी अथॉरिटीज है वो इसमें बता सकते हैं जो वो कैसे पाकिस्तान गई है। प्राइम फेसी तो ये लगता है जो प्रेम प्रसंग का है, बट इसमें कुछ इससे ऊपर कमेंट करना मुश्किल होगा। हम जब इन्वेस्टिगेट पूरे फैक्ट्स को ले आते हैं तब अप्रोप्रिएट होगा जो इसमें क्या मामला है।